डिवाइडर से टकराकर अधेड़ हुआ जख्मी। खबर आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र से है, जहां क्षेत्र के पकड़डीहा गांव निवासी रमजान पुत्र मुल्लर शाह उम्र 62 वर्ष, जो अपने किसी निजी कार्य से राष्ट्रीय राजमार्ग NH 233 अतरौलिया से न्योरी की तरफ जा रहे थे, किलोहरा के पास अचानक सड़क पर बने डिवाइडर से टकरा गए और गिरकर बुरी तरह से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल थाना को दी। घायल को स्थानीय थाना पुलिस की मदद से नज़दीकी शवशैया अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इलाज कर रहे चिकित्सक डॉक्टर अली हसन ने बताया कि पीड़ित के बाएं पैर में चोट गंभीर है, जिसमें कई जगह फ्रैक्चर हुआ है, खुला घाव है तथा अधिक रक्तस्राव होने से हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, जिसे और बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल के लिए रेफर किया जा रहा है। वहीं इस घटना की सूचना पाकर घायल के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। मरीज का देखिए, बाएं पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है। इनका नाम रमजान है, 62 साल उम्र है, यहीं लोहरा के आसपास कहीं एक्सीडेंट हुआ है, तो पुलिस वाले और वहाँ के लोकल लोगों ने उठा करके इनकी मदद करके यहाँ तक ले आए। जब हमारे पास पहली बार ये आए हैं तो उस समय हमने देखा तो मल्टीपल फ्रैक्चर थे, कई जगह इनके चोटें आई हैं, पूरा खुला घाव है, ज़्यादा ब्लीड भी हो गया है। मरीज की हालत अब स्थिर है, हमने ड्रेसिंग बैंडेज सब कर दिया है, बट इनको आगे के लिए रेफर करना पड़ रहा है, क्योंकि इनको आगे ऑपरेशन के द्वारा इनका और आगे इलाज होगा। इसलिए अभी मरीज की स्थिति पहले से स्टेबल है, बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक घंटा अभी जस्ट हुआ है। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।